हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं VS एस्ट्रोलॉजी। मैं डॉक्टर गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ VS एस्ट्रोलॉजी में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे साप्ताहिक राशि फल के बारे में, वीकली राशि फल के बारे में, जो कि 16 जुलाई से 22 जुलाई 2018 के लिए होगा। दोस्तों, राशिफल जानने से पहले आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। मैं बार बार अपने हर राशिफल के वीडियो में ये बात बार बार दोहराते रहता हूँ ताकि आपको ये बात अच्छे से समझ में आ जाए। कौन सी बात? मैं दोस्तों हर बार ये कहता हूँ कि कोई फर्क नहीं पड़ता, आप मेरा राशिफल देखें, चाहे कहीं और देखें, कहीं और सुने, कहीं और पढ़ें। जो राशिफल होते हैं वो हमेशा ही बेहद सामान्य स्तर पर होते हैं। क्यों? क्योंकि ये ग्रहों के गोचर पर आधारित होते हैं। यदि आपको खुद के बारे में कोई सटीक जानकारी चाहिए तो इसके लिए कई चीज़ों की ज़रूरत लगती है, जैसे कि आपकी लग्न कुंडली, आपकी सूक्ष्म कुंडलियाँ, आपकी दशाएं, अंतरदशाएं, प्रत्यंतर दशाएं, सूक्ष्म दशाएं, नक्षत्र गोचर, कुंडली के अच्छे या बुरे योग। जब इन सब चीज़ों का और भी कुछ चीज़ें, जब इन सब चीज़ों का एक साथ मिला करके एक समय पर अध्ययन किया जाता है तब एक जानकारी निकल के आ पाती है जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होती है। लेकिन राशिफल जानना आपके लिए इसलिए बेहद ज़रूरी हो जाता है ताकि आपको ये पता चल सके कि इस सप्ताह जो ग्रहों के गोचर हैं वो किन क्षेत्रों में अच्छे होने वाले हैं और कहां पर आपको सावधानियां बरतने की जरूरत है। अगली बात दोस्तों ये कि मेरे जो राशिफल होते हैं वो चंद्र राशि पर आधारित होते हैं, इसलिए आप जो भी राशियों की यहां पर हम लोग बात करेंगे ना तो आप उसे चंद्र राशि पर माने। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं और जानते हैं मेष राशि से लेकर के मीन राशि के जो जातक हैं उनके लिए जो सप्ताह है वो कैसा जाने वाला है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के जातकों की यदि बात की जाए तो आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होने के योग यहाँ पर मुझे इस सप्ताह बनते नजर आ रहे हैं। चाहे आप नौकरी करें, चाहे व्यवसाय करें, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे उम्र के किसी भी पड़ाव पर हो, आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, आपके गौरव में वृद्धि होगी, ऐसा मुझे यहाँ पर बनता नजर आता है। साथ ही साथ आपको भूमि लाभ भी हो सकता है। अब ये भूमि लाभ आपकी पैतृक संपत्ति से भी हो सकता है। हो सकता है आपकी कोई पैतृक संपत्ति हो जिसे लेकर के कहीं विवाद भी चल रहा हो, विवाद ना भी चल रहा हो तो भी आपको वो जो पैतृक संपत्ति है वो आपको मिले और भूमि के रूप में मिले, ऐसा मुझे यहाँ पर बनता नजर आता है। आपकी यात्राओं के योग भी मुझे यहाँ पर दिखते हैं, जो कि फैमिली के साथ आपकी यात्राएं हो सकती है। आपकी यदि आर्थिक स्थिति की बात करें तो देखिए, भूमि लाभ तो मैंने बता ही दिया, तो आर्थिक स्थिति तो आपकी बहुत अच्छी यहाँ पर रहने वाली है। आपकी मानसिक स्थिति भी बहुत अच्छी रहने वाली है। आपकी शारीरिक स्थिति जिसे स्वास्थ्य कहा जाता है वो भी बहुत अच्छा रहने वाला है। फैमिलियर लाइफ, आपका जो पारिवारिक जीवन है, पारिवारिक माहौल है, वो भी मुझे अच्छा बनता नजर आता है। आपके नौकरी और व्यवसाय के लिए समय भी बहुत अच्छा है। और स्टूडेंट्स यदि हैं तो जैसा मैंने बताया ना, प्रतिष्ठा में वृद्धि है, तो प्रतिष्ठा में वृद्धि कब होती है? स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली, जब वो किसी एग्जाम को फाइट करते हैं और उसमें बहुत अच्छे अंक प्राप्त करते हैं, बहुत अच्छी तरह से उसे फाइट करते हैं और उसमें बहुत अच्छी तरह से सफल होते हैं, तभी स्टूडेंट की प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। तो बिल्कुल आपके लिए भी, स्टूडेंट्स के लिए भी ये समय मुझे बहुत अच्छा बनता नजर आता है मेष राशि के जातकों के लिए। उसके बाद वृषभ राशि के जातकों की यदि बात की जाए तो आपका जो शारीरिक स्वास्थ्य है ना वो मुझे यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ बनता नजर आ रहा है। थोड़ा सा उतार चढ़ाव में आपका शारीरिक स्वास्थ्य मुझे दिखता है, लेकिन आपको स्पेशली संतान सुख जो है वो भरपूर मिलेगा। आपकी संतान यदि स्टूडेंट है तो उसकी तरफ से कोई खुशखबरी मिल सकती है। आपकी संतान जीवन के किसी भी पड़ाव पर हो, जो भी कार्य करना चाहती हो, उसकी तरफ से आपको कोई खुशखबरी मिले, ऐसे योग मुझे बनते नजर आपके आ रहे हैं। आपकी आर्थिक स्थिति मुझे यहाँ पर बहुत अच्छी मजबूत दिखती है। नौकरी व्यवसाय के लिए समय भी मुझे बहुत अच्छा दिखता है। मानसिक स्थिति जो है ना वो थोड़ा सा अपने रोग की वजह से, अपने शारीरिक स्वास्थ्य की वजह से थोड़ी सी डावाडोल यहाँ पर हो सकती है, तो आपको अपने शारीरिक स्वास्थ्य का जरूर से यहाँ पर ध्यान रखना है। लेकिन जैसा मैंने बताया कि संतान की तरफ से सुख है, तो फैमिली और जो आपका पारिवारिक माहौल है वो तो मुझे बहुत अच्छा बनता है यहाँ पर नजर आ रहा है। स्टूडेंट्स के लिए भी हम बात करें तो स्टूडेंट्स के लिए भी समय बहुत अच्छा है, लेकिन फिर वही बात कि अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा आपको ध्यान यहाँ पर रखना चाहिए। उसके बाद हम मिथुन राशि के जातकों की यदि बात करें तो मिथुन राशि के जातकों के लिए यहाँ पर मतभेद होने के योग, परिवार में स्पेशली, हाँ, परिवार में मतभेद होने के योग मुझे बनते नजर आ रहे हैं। ज़्यादातर परिवार के साथ साथ फिर आगे चलें तो आप जहाँ पर काम करते हैं, जहाँ नौकरी करते हैं, जहाँ व्यवसाय करते हैं, वहाँ पर अपने कॉलीग से, अपने सहकर्मियों से भी मुझे आपके मतभेद होने के योग नज़र आते हैं। और इस वजह से फिर आपका जो है ना पारिवारिक माहौल भी, फिर जहाँ नौकरी करते हैं वो भी, जहाँ व्यवसाय करते हैं वो माहौल भी बिगड़ेगा। और ऑब्वियसली यदि नौकरी का माहौल यदि या फिर जहां बिजनेस करते वो बिगड़ा तो आपकी आर्थिक स्थिति या फिर आपके कैरियर पर कहीं ना कहीं किसी तरह का प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे कि यदि आप नौकरी करते हैं, वहाँ पर यदि आपका मतभेद अपने बॉस से ही हो गया तो ज़रूर से आपके कैरियर में किसी न किसी तरह का प्रॉब्लम तो हो ही सकता है। तो थोड़ा सा मतभेद करने से बचें, थोड़ा सा अपने दिमाग पर कंट्रोल रखें, अपने ज़ुबान पर कंट्रोल रखें, कुछ बोलने से बचें, थोड़ा सा इस सप्ताह को निकल जाने दें। आगे चल के खुद से ही ये माहौल जो है ना ये शांत हो जाएगा। थोड़ा सा समय निकलने की यहाँ पर प्रतीक्षा आप करें। उसी के साथ साथ आपकी यदि आर्थिक स्थिति की बात करें तो आपकी आर्थिक स्थिति इस सप्ताह तो मजबूत रहेगी, लेकिन जैसे मैंने बताया ना कि आपके मतभेद हो सकते हैं तो उससे आने वाले समय में ज़रूर से दिक्कत हो सकती है। नौकरी व्यवसाय में भी फिर मतभेद होंगे तो मन नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, इस सप्ताह आपकी नौकरी व्यवसाय के लिए स्थिति ठीक दिखती है, लेकिन जो मतभेद होंगे उसकी वजह से आने वाली जो स्थिति है वो थोड़ी सी डावाडोल हो सकती है। तो अपने मतभेद पर, अपनी मानसिक स्थिति पर थोड़ा सा कंट्रोल आप रखें। ऑब्वियसली मानसिक स्थिति की मैंने जैसे बात की तो मानसिक स्थिति थोड़ी सी गड़बड़ रहेगी, टेंशन में रहेगी, चिंता में रहेगी, जिसकी वजह से आपको आपका जो शारीरिक स्वास्थ्य है वो भी डावाडोल हो सकता है। वहाँ पर भी आपको दिक्कत हो सकती है। यदि आप स्टूडेंट हैं तो भी थोड़ा सा आपको चिंताएं ज़्यादा हो सकती है, हार्डवर्क थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सफलताएं नहीं मिलेगी। हार्डवर्क ज़्यादा कीजिए, सफलताएं भी आपको ज़रूर से मिलेगी। थोड़ा सा मतभेद होने से बचें। मेरी आपको मिथुन राशि के जातकों को ये सलाह ज़रूर से है इस सप्ताह के लिए। उसके बाद में कर्क राशि के जातकों की बात करें तो आपका श्रम जो है ना, आपका जो मेहनत है ना, वो थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ेगी और मेहनत बढ़ने से आपका तनाव भी थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ सकता है। और तनाव जो है ना वो बेफिजूल का तनाव होगा, तनाव बेवजह का तनाव होगा और ये आपको दिक्कत देगा यदि आप स्टूडेंट हैं तो। देखिए, मेहनत करना पड़ रहा है तो मेहनत कीजिए, मेहनत से डरिए मत। मेहनत हर किसी को करना पड़ता है, हर कोई मेहनत करता है तभी सफल होता है। लेकिन ये जो तनाव आता है ना मेहनत के बाद, ये आपको ज़रूर अवनति दे करके जाएगा। तो टेंशन ना लें, मेहनत करते रहिए। ये सप्ताह मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा करवाएगा, थोड़ी सी। मुझे पता है कि आप जो मेहनत करेंगे उसका रिजल्ट हो सकता है कि इस सप्ताह आपको ना मिले और इस वजह से आपको तनाव हो, लेकिन चिंता ना करें। मेहनत का फल कभी ना कभी ज़रूर मिलेगा। तो मेहनत करते चलिए, आगे चल के आपको ज़रूर से यहाँ पर फल मिलेगा। यदि आपकी आर्थिक स्थिति की बात करें तो आर्थिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है, लेकिन नौकरी और व्यवसाय में चूँकि मानसिक तौर पर आपका यहाँ पर तनाव मुझे बनता दिखता है तो वहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत आपको महसूस हो सकता है। व्यवसाय में भी मुझे दिक्कत महसूस होता हुआ दिखता है, फिर स्टूडेंट है तो भी दिक्कत महसूस होता हुआ दिखता है। इस वजह से स्वास्थ्य भी आपका बढ़ा सकता है। फिर यदि तनाव है तो पारिवारिक माहौल भी जो रहता है वो भी कहीं ना कहीं दिक्कत में रहता है, परेशानी में रहता है। तो थोड़े से अपने बेवजह के जो तनाव है इसे कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा करना पड़ रही है, उसका रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है, मैं समझता हूँ इस बात को, लेकिन समय निकलने की प्रतीक्षा करें। उसके बाद में सिंह राशि के जातकों की बात करें तो एक बहुत अच्छी खुशखबरी ये है कि आपको जायदाद में वृद्धि होने के योग यहाँ पर इस सप्ताह बनते नज़र आते हैं। वो जायदाद में वृद्धि हो सकता है आप खुद करें, खुद अपना कोई मकान खरीदें, कोई भूमि खरीदें। साथ ही साथ हो सकता है कि आपको कोई पैतृक संपत्ति मिले, किसी तरह का कोई आप यदि व्यवसाय करना चाहते हैं, आपके पास फंड की कमी है, आप सरकार से फंड चाहते हैं तो किसी बहुत अच्छी योजना में आपको सरकार से फंड मिल जाए। तो ऐसे योग मुझे सिंह राशि के जातकों के लिए बनते हुए नज़र आते हैं। तो आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है, आपकी पारिवारिक स्थिति भी मुझे बहुत अच्छी बनती हुई नजर यहाँ पर आती है। साथ ही साथ नौकरी और व्यवसाय के लिए समय भी मुझे बहुत अच्छा बनता नजर आता है। स्टूडेंट्स के लिए भी सिंह राशि के जातकों के लिए जो सप्ताह है ये भी मुझे बहुत अच्छा यहाँ पर बनता नजर आ रहा है। तो ओवरऑल सिंह राशि के जो जातक है उनके लिए जो सप्ताह है मुझे बहुत अच्छा जाता हुआ बनता नजर आ रहा है। सिंह राशि के बाद यदि कन्या राशि के जातकों की बात करें तो एक बहुत अच्छी बात आपके लिए भी यह है कि बहुत लंबे समय से जो आपको चिंता सताती आ रही थी, इस सप्ताह उस चिंता का अंत होगा। किसी भी तरह की चिंता वो हो सकती है, आपके स्वास्थ्य की चिंता हो सकती है, आर्थिक चिंता हो सकती है, संतान की चिंता हो सकती है, परिवार की चिंता हो सकती है, किसी भी तरह की चिंता हो सकती है। उस चिंता का समाधान इस सप्ताह आपको मिलेगा और वो चिंता निवारण इस सप्ताह आपकी होगी। इसी के साथ साथ आपकी आर्थिक स्थिति में मुझे बढ़ोतरी होने के योग दिखते हैं, आपकी बचत में मुझे बढ़ोतरी होने के योग यहाँ पर दिखते हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। अधिकतर खर्चा लोगों का ज़्यादा होता है, लेकिन आपके लिए कन्या राशि के जातकों के लिए आपकी बचत में बढ़ोतरी होने के योग इस सप्ताह बनते नजर आते हैं। आपकी जो नौकरी की बात करें तो नौकरी में भी पदोन्नति के योग है, तो यह बहुत अच्छी बात आपके लिए हो गई। व्यवसाय के लिए भी बात करें तो व्यवसाय में भी आपके लिए बहुत अच्छा मुझे समय जाता नजर आता है। आप यदि स्टूडेंट है तो भी मुझे समय आपके लिए बहुत अच्छा बनता हुआ नजर आ रहा है। तो ओवरऑल कन्या राशि के जातकों की बात तो आपके लिए भी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, मानसिक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, स्टूडेंट्स के लिए, नौकरी पेशे वाले या व्यवसाय जो करते हैं उन लोगों के लिए, पारिवारिक स्थिति के लिए मुझे ये समय बहुत अच्छा बनता नजर आता है कन्या राशि के जातकों के लिए। उसके बाद तुला राशि के जातकों की बात करें तो देखिए आपके ना ट्रांसफर होने के योग यहाँ पर इस सप्ताह बनते नजर आते हैं। आप चाहे नौकरी करते हो, चाहे हो सकता है आप स्टूडेंट भी हो, आपका ट्रांसफर होगा। आप जहाँ कार्य करते हैं वहाँ से कहीं और जाकर के आपको कार्य करना पड़े, ऐसे योग मुझे मुझे बनते नजर आते हैं। आप देखिए, यदि आप ट्रांसफर चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप यदि कहीं नौकरी करते हैं, आप कहीं अपने नेटिव प्लेस से बाहर रह करके नौकरी करते हैं, आप चाहते हैं अपने नेटिव प्लेस वापस जाना, तो आपका ट्रांसफर हो जाएगा, ये बहुत अच्छी बात होगी। आप स्टूडेंट हैं, आप चाहते हैं कि हम एक शहर जहाँ पर रहते हैं, बचपन से रहते आए हैं, वहाँ से निकल के कहीं और हायर स्टडी करने के लिए निकले, तो ये भी बहुत अच्छी बात होगी आपके ट्रांसफर के लिए। लेकिन यदि आप ट्रांसफर नहीं चाहते, आप कहीं अच्छे से सेटल्ड हैं, तो ये ज़रूर से आपके लिए दिक्कत वाली बात हो सकती है तुला राशि के जातकों के लिए। उसी के साथ साथ आपके जो स्वास्थ्य है ना, उस पर भी थोड़ा सा बुरा असर मुझे पड़ता हुआ दिखता है, थोड़ा सा उतार चढ़ाव मुझे दिखता है आपके स्वास्थ्य में। तनाव भी आपको होगा, मानसिक तनाव भी आपको ज़्यादा होगा, जिस वजह से आपको चिंताएं, फिर चिंताओं की वजह से फिर पारिवारिक माहौल जो होता है ना, वो भी फिर थोड़ा सा बिगड़ेगा। तो थोड़ा सा चिंताओं पर आप कंट्रोल यहाँ पर रखें इस सप्ताह के लिए। यदि आप स्टूडेंट हैं तो भी मैंने जैसा बताया ना, आपके स्थानांतरण के योग हैं, तो वो जो स्थानांतरण है, ऑब्वियसली स्टूडेंट्स के लिए अक्सर स्थानांतरण जो होता है वो पॉजिटिव स्थानांतरण ही होता है। जो स्टूडेंट होता है वो सोचता है मैं कहीं बाहर जा करके पढ़ूँ, और फिर वो बाहर जा करके पढ़ता है और वो उसकी उन्नति होती है। तो मैं स्टूडेंट्स के लिए इस समय को अच्छा रहा हूं। स्टूडेंट्स, मन लगा करके मेहनत कीजिए, मन लगा करके पढ़ाई कीजिए, समय आपके लिए बहुत अच्छा बनता नजर आता है तुला राशि के जातकों के लिए। उसके बाद वृश्चिक राशि के जातकों की बात करें तो आपको सहयोग प्राप्ति होगी किसी न किसी तरह से, किसी न किसी चीज़ में। फॉर एग्जाम्पल कि यदि आप व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, आपके पास फंड की कमी है, आपको कहीं बहुत अच्छी सरकार की योजना में फंड मिल जाए, या कोई और आपको फंड दे दे जो आसानी से आपको मिल जाए। यदि आप विवाह करना चाहते हैं, प्रेम विवाह करना चाहते हैं, वहाँ पर आपको किसी का सहयोग नहीं मिल पा रहा था, तो यहाँ पर आपको सहयोग मिलने के योग मुझे बनते नजर आते हैं। हाँ, तनाव आपको हो सकता है, चिंताएं आपको हो सकती है, मानसिक तौर पर आप ज़रूर से चिंतित रह सकते हैं, लेकिन शारीरिक तौर पर आपको ज़रूर से यहाँ पर चिंताएं नहीं होगी। शारीरिक तौर पर आपके लिए मुझे ये समय बहुत अच्छा बनता नजर आता है। शारीरिक स्वास्थ्य की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। उसके बाद आर्थिक स्थिति की बात करें तो आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी मुझे बनती नजर आती है। नौकरी व्यवसाय के लिए भी समय मुझे बहुत अच्छा बनता हुआ नजर आता है। आपका पारिवारिक माहौल भी मुझे बहुत अच्छा दिखता है, और यदि आप स्टूडेंट हैं तो भी आपके लिए समय बहुत अच्छा मुझे बनता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। स्टूडेंट के लिए समय वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छा मुझे बनता नजर आ रहा है इस सप्ताह। उसके बाद धनु राशि के जातकों की बात करें तो आपको भी स्पेशली संतान की तरफ से कोई सुख मिले, संतान की तरफ से कोई शुभ समाचार मिले, ऐसे मुझे योग बनते नजर आते हैं। आपकी संतान यदि स्टूडेंट है तो उस तरह का शुभ समाचार मिल सकता है। आपकी संतान यदि विवाह लायक है, नौकरी लगने लायक है, किसी भी तरह से आपको संतान की तरफ से शुभ समाचार मिले, धनु राशि के जातकों को ऐसा मुझे यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है, प्रबल रहने वाली है। आपका जो व्यवसाय की बात करें या नौकरी की बात करें तो नौकरी व्यवसाय के लिए भी समय मुझे बहुत अच्छा बनता हुआ नजर आ रहा है धनु राशि के जातकों के लिए। साथ ही साथ यदि आप स्टूडेंट हैं तो भी समय आपके लिए मुझे अच्छा ये बनता हुआ नजर आ रहा है। आपका शारीरिक स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहेगा। तो कहने का मतलब धनु राशि के जो जातक है उनके लिए ओवरऑल जो ये समय है ये मुझे बहुत अच्छा, बहुत ही खूबसूरती से जाता हुआ नजर यहाँ पर आ रहा है। उसके बाद मकर राशि के जातकों की बात करें तो देखिए, आपके व्यर्थ के फिजूल के विवाद होने के योग बनते नजर आते हैं। अब वो विवाद जो है ना, वो स्पेशली आप जहाँ पर काम करते हैं, जहाँ नौकरी करते हैं, जहाँ व्यवसाय करते हैं, वहाँ पर आपका हो सकता है, और वो आपको ज़रूर से तकलीफ दे सकता है। तो थोड़ा सा विवाद से बचें इस सप्ताह। मेरी मकर राशि के जातकों को ये सलाह है, विवाद से थोड़ा सा आपको बचना चाहिए। लेकिन फिर भी आपकी सफलताओं के योग तो बनते नजर आते हैं। आप चाहे नौकरी करें, चाहे व्यवसाय करें, चाहे किसी लक्ष्य को लेकर के चल रहे हो, चाहे स्टूडेंट हो, आपकी सफलता यहाँ पर इस सप्ताह होगी, ऐसा जरूर से मुझे बनता हुआ नजर आ रहा है। आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है, सुदृढ़ रहने वाली है। लेकिन व्यर्थ के विवाद की वजह से मानसिक स्थिति जरूर से गड़बड़ हो सकती है। शारीरिक स्वास्थ्य भी आपका बहुत अच्छा रहेगा। पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है। परिवार में कोई विवाद मुझे यहाँ पर बनता हुआ आपका नजर नहीं आता। कुंभ राशि के जातकों की बात करें तो आपके यहाँ शुभ प्रसंग होने के योग मुझे बनते नजर आते हैं। अब शुभ प्रसंग किसी भी तरह का हो सकता है। हो सकता है आपके परिवार में किसी नियरेस्ट डीयरेस्ट की शादी निकल आए, सगाई निकल आए, मकान का कोई कार्य निकल आए। तो किसी भी तरह का शुभ प्रसंग आपके घर परिवार में, आपके नियरेस्ट डीयरेस्ट में हो सकता है। तो ये बहुत अच्छी आपके लिए खुशखबरी है। साथ ही साथ आर्थिक स्थिति थोड़ी सी डावाडोल हो सकती है, थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है, लेकिन नौकरी व्यवसाय के लिए समय जो है ना, वो मुझे बहुत अच्छा यहाँ पर बनता नजर आता है। स्टूडेंट्स के लिए भी समय बहुत अच्छा है, उन्नति कारक समय है। तो आप जो है स्टूडेंट जो हैं वो ज़रूर से मन लगा करके मेहनत करें, मन लगा करके पढ़ाई करें, आपकी उन्नति यहाँ पर बनती हुई नज़र आती है। आपका शारीरिक स्वास्थ्य जो है वो भी मुझे यहाँ पर अच्छा दिखता नज़र आता है। थोड़ा सा विवाद जो है उससे बचने का प्रयास करें। थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा भी नहीं, लेकिन थोड़ा सा आपका ना मानसिक जो स्वास्थ्य है वो डावाडोल हो सकता है, तो विवाद से बचने का प्रयास करें। आपको कोई शारीरिक तकलीफ नहीं होने वाली, लेकिन विवाद से, चाहे आप घर में हो, चाहे आप व्यवसाय करते हो चाहे नौकरी करते हो, विवाद से आपको थोड़ा सा बचना चाहिए। ये कुंभ राशि के जातकों के लिए मेरी सलाह थी। उसके बाद मीन राशि के जातकों की बात करें तो देखिए, कोई आपको किसी तरह से धोखा दे सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पर ये सप्ताह बनता नजर आता है। अब वो धोखा किसी भी तरह से मिल सकता है, चाहे धन में धोखे की बात करें चाहे रिश्ते में धोखे की बात करें। तो विश्वास किसी पर भी बड़ी मुश्किल के साथ करें, बहुत आसानी से विश्वास किसी पर ना करें, क्योंकि धोखे के योग इस सप्ताह मुझे आपके साथ बनते हुए नज़र आ रहे हैं। आपका खर्च भी ज़्यादा हो सकता है, आपकी आर्थिक स्थिति थोड़ी सी डावाडोल हो सकती है, जो कि आपको दिक्कत परेशानी में ला सकती है। लेकिन नौकरी व्यवसाय के लिए समय बहुत अच्छा है, स्वास्थ्य भी आपका बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन जैसे धोखे के योग दिखते हैं ना, वैसे ही मानसिक तनाव के योग भी दिखते हैं, मानसिक तनाव टेंशन होने के योग दिखते हैं। तो थोड़ा सा अपने ये जो जिस पर भी आप विश्वास कर रहे हैं, चाहे वो पैसों की बात हो चाहे वो रिश्ते की बात हो, थोड़ा सा जो विश्वास कर रहे हैं सोच समझकर, बड़ी ही आसानी से विश्वास ना करें, सोच समझकर विश्वास करें। लेकिन यदि आप अच्छे से सोच समझकर विश्वास करते हैं तो ज़रूर से आपको आने वाला जो समय है वो खुशखबरी देगा। लेकिन आंखें बंद करके यदि इस सप्ताह किसी पर भरोसा कर लिया तो वो आपको आगे चल के तकलीफ दे जाएगा, ऐसा मैं समझता हूँ कि मीन राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह जाने वाला है। तो मानसिक स्वास्थ्य ज़रूर से आपको ये मानसिक स्वास्थ्य आपका जो है वो ज़रूर से आपका बिगाड़ ये समय सकता है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर हमने बात की मेष राशि से लेकर के मीन राशि के जो जातक हैं उनके लिए जो सप्ताह है वो कैसा जाने वाला है। मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे शेयर भी करें, ताकि दूसरे भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों, आपने वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।